नमस्कार, मैं हूं प्रिया। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के 8 हस्तियों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। केंद्र सरकार ने बिहार का मान बढ़ाने वाले 8 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया है, जिसमें कला, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जिसके लिए पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार कोटे में पद्म विभूषण अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जबकि वशिष्ठ नारायण सिंह को विज्ञान और इंजीनियरिंग विषय के लिए और डॉक्टर शांति राय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार के 9 भवनों में 45,000 परीक्षार्थी अब एक साथ दे सकेंगे एग्जाम। बिहार के सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही बड़ी तादाद में परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे सकेंगे, क्योंकि बिहार सरकार सभी परीक्षार्थियों के लिए 27 जनवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कई योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी प्रमंडल में परीक्षा भवनों का उद्घाटन करेंगे। खबरों की माने तो सभी 9 प्रमंडल में 4,000 से 5,000 क्षमता वाले परीक्षा भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। भागलपुर के बासुकीनाथ का रणजी के लिए हुआ चयन। भागलपुर क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज बासुकीनाथ का चयन बिहार के रणजी टीम में किया गया है। बासुकीनाथ के पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 3 वर्षों से हेमंत ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे। उसके चयन पर भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नरेंद्र शंकर सहाय, सचिव आनंद मिश्रा आनंद ने उनके इस चयन के लिए बधाई दी है। बासुकीनाथ की सफलता से समूचे भागलपुर में खुशी की लहर दौड़ रही है। भागलपुर के सौरभ को मिला मिस्टर एशियन इंटरनेशनल। वो कहते हैं ना, इंसान अगर किसी बात को ठान ले तो वह उसे पूरा कर ही लेता है। इसी का प्रमाण दिया है भागलपुर के सौरभ ने। लगातार मिल रही विफलताओं के बावजूद हार नहीं मानने वाले सौरभ को मिस्टर एशियन इंटरनेशनल 2019 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। एशिया का पर्सनैलिटी युवा का खिताब जीतकर सौरभ ने भागलपुर के साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। ज्ञात हो 18 से 21 जनवरी तक आगरा में हुए इस प्रतियोगिता में मिस्टर और मिसेस एशिया इंटरनेशनल के लिए 50-50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पूरे देश में अति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर काफी चहल पहल देखने को मिली। जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया, वहीं दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। ज्ञात हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन के बाद अपने आवास पर मौजूद छात्रों को जलेबियां भी खिलाई। बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो उसका जल्द से जल्द कर ले निपटारा। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। बैंक से संबंधित सभी कामों का निपटारा जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बैंक की सेवाएं बंद रहेंगी। गौरतलब है कि 31 से 1 फरवरी तक बैंक कर्मियों ने बैंक बंद का आह्वान किया है। साथ ही 2 फरवरी को रविवार होने की वजह से बैंक स्वाभाविक तौर पर बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बैंक एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार बंद का ऐलान किया जा रहा है। इसी के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भी 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बंद करने का ऐलान किया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे गौरी आयुब की। गौरी आयुब का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 13 फरवरी 1931 को हुआ था। गौरी ने अपना सारा जीवन पटना में ही गुजारा था। वहीं गौरी की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो गौरी ने अपने स्नातक की पढ़ाई मगध महिला कॉलेज से की थी। गौरी एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षिका थी। गौरी को शुरू से शॉर्ट स्टोरीज लिखने का बहुत शौक था। इतना ही नहीं, गौरी सामाजिक मुद्दों पर भी लिखना बहुत पसंद करती थी। लेकिन गौरी को लेखन की दुनिया में पहचान उनके बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ 1971 पर लिखे गए लेख के लिए मिला, जिसके पश्चात गौरी ने सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया, जिसमें उनके कई सारे कामों की सराहना अलग अलग स्तर पर भरपूर की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सजे धजे दिखे कई ऐतिहासिक भवन। गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार के विधानसभा सहित देश के कई ऐतिहासिक भवनों को सजाया गया था, जिसके तहत बिहार विधानसभा को रंगीन लाइटों से सजाया गया। इसके साथ ही विभिन्न और खास जगहों पर तिरंगा झंडा भी देखने को मिला। वहीं बिहार से बाहर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी इंडिया गेट को तिरंगा के रंग से सजाया गया था। इसके साथ ही मुंबई में गणतंत्र दिवस के मौके पर CSMT को रंगीन लाइटों से सजाया गया था। CAA और NRC के विरोध में पटना के दीघा पहुंचे तेज प्रताप यादव। CAA और NRC को लेकर देश में जारी विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बिहार की राजनीतिक पार्टी अभी भी CAA के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। हाल ही में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पटना के दीघा घाट CAA और NRC के खिलाफ समर्थन जुटाने पहुंचे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी, जहां उन्होंने लिखा था कि देश का हर नागरिक मेरे साथ है, सरकार के खिलाफ हमारी आवाज अब गांव कस्बे तक पहुंच चुकी है। बिहार के कई जिलों में आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश। इस ठिठुरती ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं जताई जा रही है, मगर बारिश के आसार फिर से बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से धूप निकलने के कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, मगर बादल छाने की वजह से ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया
पार्टी के खिलाफ बयान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच में अनबन का दौर जारी है। इसी क्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच में वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत रघुवंश प्रसाद सिंह ने जगदानंद सिंह का बिना नाम लिए यह कहा है कि अपनी ही पार्टी में मैं मुख्य अतिथि बनकर रह गया हूं। इसके साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है। फतुहा के रास्ते पटना से रांची सफर करना होगा अब आसान। पटना से रांची जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि पटना से रांची सफर करना अब हो जाएगा और भी आसान। और ऐसा होगा नए रेल सेक्शन के निर्माण की वजह से, जिसको बनने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, जिसकी समीक्षा पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने की है, जिसके पश्चात उन्होंने कहा है कि 6 महीने में यह रेलखंड रांची तक जुड़ जाएगा, जिसके बाद से रांची से पटना की दूरी कम हो जाएगी। हाजीपुर वैशाली के बीच ट्रेनों का परिचालन जल्द होगा शुरू। हाजीपुर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही हाजीपुर से वैशाली के बीच में ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ हो जाएगा। खबरों की माने तो हाजीपुर सुवाली रेल परियोजना के तहत वैशाली जिले में ROB और अप्रोच रोड के निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है, जिसके पश्चात अब जून महीने तक हाजीपुर से वैशाली के बीच रेल मार्ग के निर्माण कार्य का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद से हाजीपुर से वैशाली के बीच से ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। औरंगाबाद के हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार इस्लाम धर्म के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जो पचरुखिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजरत सैदाना इस्लाम धर्म के संत थे। पूरे भारत में जून माह में इस्लाम के लोग का भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होता है, क्योंकि इस महीने में हिज उर्स मुबारक मनाया जाता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चीन के बाहर नेपाल समेत अन्य देशों में फैल रहे कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने भी सख्ती बरतते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने और इसके फैलने जैसे लक्षणों पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही साथ अधिकारियों को बौद्ध सर्किट पर निगरानी रखने के लिए भी कहा है, क्योंकि बौद्ध सर्किट ही वो जगह है जहां पर हर साल ज्यादा से ज्यादा चीन और पड़ोसी देश के पर्यटक आते हैं। भागलपुर जंक्शन पर बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत का दिखेगा संदेश। भागलपुर जंक्शन को केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत के संदेश से अब सजाया जाएगा। इसके साथ ही चांदो सौदागर और बिहला की कहानी से भी रूबरू होंगे। दीवारों पर विभिन्न कंपनियों के होर्डिंग और बैनर की जगह खूबसूरत मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है। मिथिला और मधुबनी पेंटिंग के कलाकार पूरे स्टेशन को सजा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जंक्शन पर पेंटिंग से दीवारों को संवारने का काम मुख्य चित्रकार प्रभाष झा और विपुल कुमार की टीम कर रही है। पद्मश्री सम्मान मिलने पर वशिष्ठ नारायण सिंह के भाई ने कहा यह। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने के बाद उनके छोटे भाई अयोध्या प्रसाद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर यह सम्मान उन्हें उनके जीवित रहने पर मिलता तो बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको बता दें, पिछले साल अक्टूबर महीने में महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद ही उनके भाई ने पद्मश्री की मांग की थी। फरवरी तक इन 4 रद्द ट्रेनों का परिचालन रहेगा बंद। कोहरे के कारण भागलपुर से परिचालित होने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों के रद्द रहने की अवधि को और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब ट्रेनें फरवरी महीने तक नहीं चलाई जाएंगी। इन रद्द हुई ट्रेनों में फरक्का, न्यू फरक्का, सियालदह, आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और अपर इंडिया का नाम शामिल है। ज्ञात हो, रेलवे विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर सभी यात्रियों को इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि ट्रेन रद्द होने की वजह से भागलपुर के अलावा मुंगेर और लखीसराय जिले के यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। CAA और NPR के विरोध में 29 जनवरी को विपक्षी दलों ने बुलाया बंद। CAA और NPR का मुद्दा बिहार में जोर पकड़े हुए है। एक ओर केंद्र सरकार ने पूरे देश में CAA लागू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर रही है। इसी क्रम में राज्य समेत अन्य विपक्षी दलों ने बिहार में 29 जनवरी को बंद का आह्वान किया है, जिसका समर्थन रालोसपा ने भी किया है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार के पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इस बंद का समर्थन करके इसको सफल बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नेताओं को देंगे चुनावी मंत्र। विधानसभा चुनाव आने में भले ही काफी समय हो, मगर सभी राजनीतिक दल एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते अपनी तैयारियों को पूरा करने में। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार होने वाले चुनाव के लिए नेताओं को प्रशिक्षण देने का पदभार अपने कंधों पर लिया है, जिसके तहत 28 जनवरी को अपने इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करेंगे, जहां वह पार्टी संगठन से जुड़े लोग और सक्रिय पार्टी पदाधिकारी को चुनावी मंत्र देंगे। आपको बता दें, इससे पहले जदयू ने राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। सलमान खान ने हाल ही में कटरीना कैफ को लेकर दिया बड़ा बयान। सलमान खान ने हाल ही में सोनी टेलीविजन द्वारा प्रसारित उमंग कार्यक्रम में कटरीना कैफ की खूब तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने कटरीना कैफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह कटरीना कैफ की हर एक तस्वीर को जूम करके देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोनी टेलीविजन द्वारा आयोजित की गई उमंग कार्यक्रम में होस्ट की भूमिका निभा रहे कपिल शर्मा ने सलमान खान से पूछा कि क्या कभी उन्होंने किसी लड़की के प्रोफाइल को खोलकर उनकी फोटो को जूम करके देखा है, जिसके जवाब में सलमान खान ने यह बात कही है।
अब आइए जानते कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। ठंड का असर जैसे ही खत्म हो रहा है, वैसे ही मौसम में धूप का असर देखने को मिल रहा है। बढ़ती धूप में अपने चेहरे को टैनिंग से बचाने के लिए महिलाएं काफी कड़ी मशक्कत करती हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से धूप के कारण हुए टैन से छुटकारा पा सकती हैं। टैनिंग हटाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर नींबू साबित होता है। इसके अलावा तेज धूप में सनक्रीम लगाकर निकलने से भी तेज धूप का असर आपके चेहरे पर नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, आप बेसन हल्दी का लेप भी चेहरे पर टैनिंग हटाने के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और आलू का रस भी से टैनिंग हटाने के लिए बहुत सहायता करता है। भाजपा ने प्रशांत किशोर पर कसा तंज। जदयू के बाद अब भाजपा ने भी प्रशांत किशोर पर टिप्पणी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कुछ लोगों को पैसे लेकर राजनीति करने की आदत होती है, उनके बारे में हमें राजनीतिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जो नेता पैसा देगा, प्रशांत किशोर जैसे लोग उसके लिए लाउडस्पीकर का काम करेंगे। आखिर यही तो है उनके बिजनेस की पॉलिसी। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, हम उन लोगों के बहकावे में नहीं आते जो पैसा लेकर काम करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारत को मिली लगातार दूसरी जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के इडन पार्क में खेले गए दूसरे मुकाबले में मेहमान भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है और इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 132 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 133 रन का लक्ष्य केएल राहुल के नाबाद 57 रन और श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी की और 44 रन बनाए। भारतीय टीम ने यह मैच 17 ओवर 3 गेंद में जीत लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन। 29 जनवरी से शुरू होने वाले बौद्ध महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों बाद करेंगे। शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में पर्दे से काफी समय से दूर चल रही हेमा मालिनी अपने शास्त्रीय नृत्य का जलवा दिखाएंगी। इतना ही नहीं, 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में हर दिन अलग अलग कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, एनआरसी और सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा बुलाए गए भारत बंद पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।